हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी मिश्रा एंड माय नेम इज सोनाली एंड यू आर वाचिंग लॉ पॉइंट। तो आज हम लोग आपको पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस के बीच में डिफरेंस बताएंगे। सो पब्लिक न्यूसेंस और कॉमन न्यूसेंस अफेक्ट्स एट लार्ज और सम कंसिडरेबल पोर्शन। अ प्राइवेट न्यूसेंस अफेक्ट 1% और डिटरमिनेट बॉडी ऑफ पर्सन। देखिए, पब्लिक न्यूसेंस मींस दैट जनरल पब्लिक, अगर कोई न्यूसेंस कमिट हो रहा है तो वो अफेक्ट करेगा पूरी होल कम्युनिटी को। सो इट मींस दैट पब्लिक न्यूसेंस अफेक्ट्स द पब्लिक एट लार्ज। प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब अगर कोई पर्सन न्यूसेंस कमिट कर रहा है तो वो पूरी होल कम्युनिटी को नहीं अफेक्ट करेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को अफेक्ट करेगा। दिस मींस प्राइवेट न्यूसेंस अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन। Any public motivated or spirited person or organization or association can sue. तो देखिए, अब तो nuisance create हो गया, तो court में जाकर कौन sue कर सकता है? कोई motivated person जिसको ये nuisance affect कर रहा है, या फिर कोई spirited person, या फिर कोई organization और association भी sue कर सकती है। A private individual or his legal representative to whom or to whose प्रॉपर्टी कॉज इंजरी कैन सू। अगर न्यूसेंस क्रिएट हुआ है किसी भी चीज को लेके, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेके, तो इंडिविजुअल ही उसको सू कर सकता है और जो इंडिविजुअल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी सू कर सकते हैं। सो अगर हम लोग रेमेडी की बात करें तो पब्लिक न्यूसेंस में इंजंक्शन, रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम डूइंग एनी इलीगल एक्ट और ओमिशन। तो जो एक्ट हुआ है जिसकी वजह से न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, कोर्ट उस इंसान को इंजंक्शन दे देगा, या तो वो उस एक्ट को कर दे या फिर वो रोक दे। अब जो प्राइवेट न्यूसेंस में रेमेडी है कि डैमेज कैन बी क्लेम विद द इंजंक्शन, जिसका मतलब ये है कि जो पर्सन है जिसको न्यूसेंस अफेक्ट कर रहा है वो इंजंक्शन के थ्रू डैमेज क्लेम कर सकता है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी, पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इट मींस दैट पब्लिक न्यूसेंस को 268 ऑफ आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। इट मींस एनी इलीगल एक्ट और ओमिशन कॉजिंग इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनॉयंस पब्लिक इन जनरल और पब्लिक एट लार्ज। Private nuisance is not defined in IPC. Private nuisance means any illegal act of omission causing danger or injury to any individual or his property. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को बहुत सारी लाइक देना। और पता है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ये कोई भी न्यूसेंस नहीं है, सो प्लीज करके जाना। बाय बाय।